शुक्रवार क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 भाषा या सौंदर्य सर्वनाम भाषा या सौंदर्य। भाषा या सौंदर्य का अर्थ होता है भाषा की सुंदरता। भाषा की सुंदरता हम कैसे बढ़ाते हैं, किन शब्दों के द्वारा हम भाषा को सुंदर बनाते हैं। अगर एक ही वाक्य में एक ही तरीके से बोलते जाते हैं तो हमारा वाक्य कैसा लगता है, अजीब लगता है, अटपटा लगता है। तो इसकी भाषा में हम सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? तद, एतद, अस्मद, किम, सर्वम, किस्मत। ये सब आपके क्या हैं? कुछ सर्वनाम शब्द दिखाए गए हैं। सर्वनाम शब्द वह, मैं, तुम, यह, सब, ये सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ये आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे कि सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में हिंदी भाषा में क्या है आपका? मैं, हम, तू, तुम, वे आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द की जब प्रयुक्ति हम लगाते हैं तब क्या बनता है? उसको बनता है, उनको बनता है। इस तरह से हम फिर आगे विभक्तियों का प्रयोग करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आगे बढ़ाते हैं। अब इस तरह से कि तद, तद्मिस, वह, जो मैंने आपको हिंदी भाषा में बताया था, वह, मैं, हम, तू, तुम, वे, आदि। अब इसी तरह से इसमें प्रयोग होता है तद, अस्मद में मैं का प्रयोग होता है, अहम, इसमें में तुम का प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं तुम, और सर्वनाम क्या होता है? सौ, वह, वह होता है पुरुष जाति के लिए। साकार का प्रयोग करेंगे सा, तो वह लड़की के लिए प्रयोग होता है। साकार होता है वह, ये इसकी जाति के लिए प्रयोग होता है। और तद, वह, ये किसके लिए प्रयोग होता है? एतद, यह, यह किसके लिए प्रयोग होता है? यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। सा, वह पुरुष जाति के लिए, सा, वह स्त्री जाति के लिए। एतद, एतद, यह, ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इसमें भी पुरुष जाति का बोध होता है कि हम किस जाति का बोध करा रहे हैं, उसी जाति का हम ये शब्द लगाते हैं। स्त्री जाति के लिए सा, पुरुष जाति के लिए सा, ये सर्वनाम शब्द वह। इसके रूप चलते हैं सह, तउ, ते। सह, तउ, ते, तम, तउ, तम, सा, ते, ता। तो सह, वह, तउ, वे दोनों, ते, वे सब। इसी तरह से स्त्रीलिंग में चलता है सा, वह, ते, वे दोनों, ता, वे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द हम बार बार बोलते जाते हैं तो क्या लगता है? हमारा अजीब लगता है। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कैसे करेंगे और किस तरह से करते हैं? दादा पढ़ती है, आप बराबर बोलते जा रहे हैं हिंदी भाषा में। राधा पढ़ती है, राधा जाती है, राधा खाती है, राधा सोती है, बराबर आप राधा राधा का प्रयोग करते जा रहे हैं। जब राधा राधा का प्रयोग करते जाएंगे तो ये वाक्य बड़े अजीब लगते हैं। इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तक के आधार पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दिखाया गया है। अब आपको क्या है, आपने वाक्य बनाया राधा पढ़ती का, राधा पढ़ती है, मैंने बोला आपको राधा पढ़ती है, राधा लिखती है, राधा जाती है, बराबर राधा राधा का प्रयोग करते जा रहे हैं। अब इसका संस्कृत भाषा में प्रयोग कैसे होगा? राधा पढ़ती का, राधा पढ़ती, राधा पढ़ती है। अब आपने फिर कहा राधा सुनोती, राधा सुनती है, बराबर आप राधा राधा का प्रयोग करते जा रहे हैं। राधा पढ़ती, राधा सुनोती, राधा धावती, आपने बराबर क्या प्रयोग किया? जैसे मैंने हिंदी भाषा में बताया था राधा पढ़ती है, राधा सुनती है, राधा दौड़ती है, राधा खा लेती, राधा खाती है,
राधा चलती, राधा चलती है, राधा हंसती, राधा हंसती है, इस तरह से आप बराबर राधा राधा का प्रयोग करते जा रहे हैं तो अजीब वाक्य लग रहे। इसलिए अब संशोधित वाक्य आपने क्या बनाए, सर्वनाम प्रयोग आपने कैसे किया, राधा पठती, इसके बाद आपने किया सा श्रुणोती, राधा पठती की जगह पर मैंने क्या लगाया है, सा श्रुणोती, सा शब्द किया गया संस्कृत भाषा का वह, राधा पठती है वह सुनती है, सा श्रुणोती वह सुनती है, ऐसा धावती सह तौ ते
पढ़ा था क्रिया, अब आप क्रिया कैसे लगाएंगे या आप किस तरह से शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर के साथ साथ हम कौन सा शब्द लगाएं तो क्या अर्थ हमारा बनता है। जैसे सर पट्टी लगा देंगे तो वह पढ़ता है, अब सहा लगा देंगे तो आपका बनेगा वह घोड़ा, एक के लिए आ गया वह घोड़ा। तऊ पट्टा लगा देंगे तो दो पढ़ते, वह दो पढ़ते चला जाता है। अब आता है इसकी जाति,
अगला भाग आगे के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।